हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो देखो गेम में अभी नई सीजन आई है, तो मैंने सोचा सब लोग रैंक पुश कर रहे होंगे। तो रैंक पुश के लिए सबसे बेस्ट रोल है वो है हमारा सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के टिप्स एंड ट्रिक्स तो बनती है, तो आज मैं आपके लिए सर्वाइवल के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सर्वाइवल का रोल एक बार समझा देता हूँ। देखो सर्वाइवल में आपको ना सर्वाइव करना है, नाम में ही रखा है सर्वाइव, यानी आपको जिंदा रहना है लास्ट तक। चाहे आप इम्पोस्टर के साथ जीतो, स्पेस क्रू के साथ जीतो या न्यूट्रल टीम के साथ जीतो, आपको सिर्फ जिंदा रहना है, आपको मरना नहीं है। और आपके पास 3 सील भी दी गई होगी। अगर आपको कोई लग रहा है कि आपको कोई मारने आ रहा है तो आप सील एक्टिव कर दीजिएगा, ताकि कोई आपको मारने आ रहा है तो आप उससे बच सको। तो 3 सील है, आपको सोच समझ के यूज़ करनी है। तो यह सर्वाइवल का रोल है। तो चलो आप सीधा टिप्स एंड ट्रिक्स पर चलते हैं। सबसे पहली टिप्स है कि आपको रोल चेक करने हैं कि कौन से इम्पोस्टर आए हुए हैं। तो जैसे ही शुरू में लाइट ऑफ का सेबोटाज होता है, आपको कैफेटेरिया से वेपन्स में जाना है, वेपन्स से आपको नेविगेशन में जाना है, नेविगेशन से आपको सील में जाना है, आपको वहां जाके सील में छुप जाना है। और अगर गेम में बाउंटी हंटर आया है तो भी आपको यही फॉलो करना है। लेकिन अगर आपको सील में नहीं रुकना, आपको भागते ही रहना है, कहीं पर भी आपको रुकना नहीं है जब तक किसी की बॉडी नहीं रिपोर्ट हो जाती या फिर इलेक्ट्रिक का सेबोटाज ठीक नहीं हो जाता, या तो फिर आपके पास अपना यह फेसर की जैविक होना चाहिए। तो जैविक के बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरी टिप है कि कई बार ना बंदे एक जगह पे बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ से आपको दूर चला जाना है, क्योंकि आप सर्वाइवल है, आप न्यूट्रल है, तो वहाँ पे सेरिफ भी आपको मार सकता है और इम्पोस्टर भी मार सकता है। तो याद रखिएगा कि जहाँ प्लेयर बहुत इकट्ठा हो गए हैं, आपको वहाँ से दूर चले जाना है, क्योंकि ऐसी जगह पे ना इम्पोस्टर और सेरिफ अंधे किल करते हैं। अगर आप बीच में आ गए और सेरिफ ने किल दबा दिया तो फिर आप पहले जाओगे, तो आपकी गेम ओवर हो जाएगी। तीसरी टिप है, अगर आप लाइट फिक्स करने जा रहे हो तो मेक श्योर पहले से सील ऑन करके जाइएगा, क्योंकि अंडर इम्पोस्टर बैठा होगा। तो देखो यहाँ पे वाइट अंडर बैठा हुआ था, तो मेरी सील उसने तोड़ दी यहाँ पे, और यहाँ पे उसने गेट भी ऑफ कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं सर्वाइवल हूँ। वो मेरे को मारने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन वो मैं मरा नहीं। तो यहाँ पे मैं उसको थम्सअप दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से सील ऑन करता हूँ, क्योंकि वो मेरे पे अब मारने की ट्राई करेगा। तो फिर मीटिंग बुला लीजिएगा और मीटिंग में बोल दीजिएगा ये इम्पोस्टर है, मेरी इसने सील तोड़ दी है। चौथी टिप से कि अगर आपको इम्पोस्टर का साथ नहीं देना, आपको स्पेस को ही जितवाना है, तो आप इलेक्ट्रिक में ऐसे आ जाइएगा और लाइट के सामने खड़े रह जाएगा। जैसे ही लाइट ऑफ होगी आप तुरंत लाइट ऑन कर लीजिएगा, या तो फिर आप यहाँ पे साइड पे भी खड़े रह सकते हैं, और अंदर जैसे कोई आए आप अपना सील ऑन कर लीजिएगा, या तो फिर आप फेसर क्यूब से वहाँ से भाग भी सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, आपको जो चाहे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑरेंज जैसे एंटर हुआ था, मैंने यहाँ पे सील ऑन कर दी थी, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज ने मेरे पे ट्राई नहीं लिया था। तो इस तरह से आप बेटर का काम भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे मरोगे नहीं, क्योंकि आपके पास फेसर क्यूब और सील दोनों है। और बाई चांस अगर किसी इम्पोस्टर ने आप पे ट्राई कर लिया होगा तो आप सील की वजह से बच जाएंगे, और ऐसे करके आप एक इम्पोस्टर को निकाल सकेंगे। पांचवी टिप्स है कि आप पूरी गेम अगर सीसीटीवी रूम में बैठना है तो आप वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, या तो फिर आप सील में पूरी गेम निकालना हो तो वहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं। अगर कोई सेबोटाज होता है, अगर आप नहीं ठीक करोगे तो भी चलेगा। और अगर गलती से आपने मीटिंग में जोकर को निकाल लिया तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जोकर के साथ भी जीत सकते हैं, आप किसी भी टीम के साथ जीत सकते हैं। आपको सिर्फ जिंदा रहना है लास्ट तक, जब तक गेम खत्म नहीं होती तब तक। छठी टिप्स है कि अगर गेम में व्हाइट जैक आया हुआ है तो मीटिंग में कभी भी अपना रोल मत बोलिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे ना व्हाइट जैक बहुत सारे सर्वर को गेस कर देता है। मेरे को भी यहाँ पे गेस किया गया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वाइट जैक आए हो तो गेम में अपना रोल मत बोलिएगा, जब तक वाइट जैक मर नहीं जाता तब तक अपना रोल मत रिवील कीजिएगा। सातवीं टिप्स है जेमिक्स के बारे में। तो आप फ्लैश लाइट यूज़ कर सकते हो, फेसर क्यूब यूज़ कर सकते हो, रिमोट बटन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि रिमोट बटन आप मत यूज़ कीजिएगा। अगर आपको अंधेरे से डर लग रहा है तो आप फ्लैश लाइट यूज़ कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आप अंधेरे में फ्लैश लाइट यूज़ करके आप बंदे को पकड़ सकते हो, बंदे की लोकेशन जान सकते हो। दूसरा जेमिक है अपना फेसर क्यूब, तो उसको कैसे यूज़ करना है अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने ये क्यों बोला कि आपको रिमोट बटन नहीं यूज़ करना है। देखो सर्वाइवल में मीटिंग का कुछ काम नहीं है, आपके पास ऑलरेडी 3 सील दी गई है, तो उसे यूज़ करके आप बच सकते हैं। तो मीटिंग बुलाने का कोई मतलब नहीं है, आप रिमोट बटन भी यूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ज़्यादातर फ्लैश लाइट और फेसर क्यूब ही यूज़ करता हूँ, दोनों आपस में चेंज करता रहता हूँ। तो चलो फेसर क्यूब को कैसे यूज़ करना है मैं आपको समझा देता हूँ। आगे मैंने इलेक्ट्रिक में कैसे यूज़ करना है मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको सीसीटीवी रूम में कैसे यूज़ करना है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल इसका यूज़ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीसीटीवी रूम में आके बैठ जाना है, और आपको जो पहला कैमरा है रिएक्टर वाला, वहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है। जैसे ही वहाँ पे कोई आएगा और तुरंत ही अंडर की तरफ मुड़ जाएगा, मतलब कि आपकी तरफ आएगा भागते भागते, तो आपको अपना फेसर क्यूब यूज़ करके बाहर निकल जाना है, और मीटिंग में बोल लीजिएगा कि इसको वोटर करके निकाल लीजिएगा। 100% वो इम्पोस्टर या न्यूट्रल में से जो काटने वाला रोल होगा वो निकलेगा, और निकलेगा ही। तो आई होप गाइस आपको ये सर्वाइवल की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों को, और चैनल पे जितने भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय।
We will not fear the puny imposter.